नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम सर्वोच्च न्यायालय के अंदर कुछ तत्व ऐसे देखेंगे जिससे हमें पता चलता है कि सर्वोच्च न्यायालय आज हमारे भारतीय संविधान का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है, किस प्रकार वो संविधान की रक्षा करता है और आज हमारा जो प्रशासनिक और व्यवस्थापिका का जो ढांचा है उस पर किस प्रकार अंकुश लगाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ हम कक्षा 12th के राजनीति विज्ञान की यूनिट 2nd का जो टॉपिक है आपका सर्वोच्च न्यायालय, उसको हम पढ़ रहे हैं। बच्चों, तो मेरा वीडियो ध्यान से देखें ताकि आपको तीन चीजें पूरी तरीके से समझ में आ सके, न्यायिक सक्रियता, दूसरा न्यायिक पुनरावलोकन और इन दोनों के आधार पर न्यायपालिका और संसद के संबंध कैसे रहे, इन सब के बारे में चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। बच्चों, पहला अपना टॉपिक है बच्चों न्यायिक सक्रियता। देखो बच्चों, क्या है न्यायिक सक्रियता? आप सब जानते हैं बच्चों कि सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए सभी लोगों को सस्ता न्याय उपलब्ध करवाने के लिए हमारे देश में जो व्यवस्था मिलती है उसे ही हम बोलते हैं बच्चों न्यायिक सक्रियता। आज हमारी न्यायपालिका इस न्यायिक सक्रियता की संकल्पना पर जोर दे रही है। आप सब जानते हैं बच्चों, हमने ये सामाजिक न्यायिक जो सक्रियता थी ये कहाँ से सीखी बच्चों? अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में न्यायिक सक्रियता के आधार पर कई ऐसे मुद्दों को सुलझाया गया जिसके आधार पर आम आदमी का भला हो सके। बच्चों, तो हमारे देश में भी न्यायिक सक्रियता को अपनाया गया और न्यायिक सक्रियता का सबसे बड़ा हथियार है बच्चों जनहित याचिका, लोकहित याचिका, जिसके माध्यम से जिसके पास में धन नहीं है उन व्यक्तियों के लिए न्याय की व्यवस्था कैसे सुलभ हो, इसके लिए व्यवस्था की गई है बच्चों न्यायिक सक्रियता की। तो हमारे देश में सभी लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए सामाजिक न्याय की व्यवस्था कौन करता है? हमारे संविधान की प्रस्तावना भी करती है और नीति निर्देशक तत्व भी राज्यों को निर्देश देते हैं कि देश में सामाजिक न्याय की व्यवस्था को बनाना है। तो सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए और कार्यपालिका को ये बताना कि आपको कौन सी भूमिका के लिए सक्रिय रहना है, कार्यपालिका के लिए जागरूक रहना, राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को उस आवश्यकता के प्रति या उस समस्या के प्रति ध्यान दिलाने का काम करती है बच्चों आपकी न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक सक्रियता का मेन उद्देश्य है सामाजिक न्याय को स्थापित करना और दूसरा है आपका कार्यपालिका को अपनी भूमिका के लिए सक्रिय करना। और आप सबको पता है ये न्यायिक सक्रियता के प्रमाण हमें भारतीय संविधान के कई अनुच्छेदों में देखने को मिलते हैं। वो कैसे? देखो बच्चों, आप सब जानते हैं बच्चों अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। तो स्वतंत्र, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे तब हो सकते हैं जब सभी लोगों को क्या मिले बच्चों? समान प्रकार का न्याय उपलब्ध हो सके। उसके बाद आता है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं किसको दी गई है? नागरिकों को दी गई है, लेकिन उन सभी नागरिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो इन सबको स्वतंत्रताओं को आधार बनाकर न्यायपालिका कई ऐसे मामलों में अब तक निर्णय दे चुकी है बच्चों। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, सुरक्षा का अधिकार, मतलब ये है कि हर इंसान, हर व्यक्ति प्रतिष्ठा के साथ जीवन व्यापन कैसे करे, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी व्याख्याएं प्रस्तुत की कि इस स्वतंत्रता में कई स्वतंत्रताओं को शामिल किया। जैसे आपको पता है सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं कर सकते, शिक्षा का अधिकार, इसके अलावा आप सब जानते हो किसका अधिकार? पर्यावरण को सुरक्षित रखने का अधिकार, इसके अलावा झंडा फहराने का अधिकार, तो कई, सूचना का अधिकार, नींद का अधिकार, ये सारे अधिकार जो है किसने दिए हैं? हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदान करे हैं।
निजता का अधिकार है, इसके अलावा शिक्षा का अधिकार है, इसके अलावा आपका ये जो उत्पीड़न है, महिला उत्पीड़न है, उसके विरुद्ध अधिकार है, इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर आप धूम्रपान नहीं कर सकते ऐसा अधिकार, चिकित्सकीय सहायता पाने का अधिकार, इसके अलावा नींद पूरी पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, ये सारी जो अधिकार हमें दिए हैं वो सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या करके ही दिए हैं। और अनुच्छेद 32 आप जानते ही बच्चों कि हमारा संविधान कहता है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो ये सारे जो संविधान के अनुच्छेद है ये कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को हर नागरिक को न्याय प्रदान करने के लिए सक्रियता दिखानी पड़ेगी और समय समय पर न्यायपालिका ने ऐसा किया। और इसकी शुरुआत होती है बच्चों जनहित याचिका से, लोकहित याचिका से, लोकहित वाद से। इस लोकहित वाद का प्रारंभ अमेरिका से माना जाता है। अमेरिका में राज्यों में इस प्रकार की याचिकाओं की व्यवस्था थी और भारत ने भी 1982 में इस चीज को ग्रहण किया और भारत ने 1982 में पीएन भगवती और कृष्णामूर्ति के प्रयासों से हमारे भारत में लोकहित याचिका, जनहित याचिका की शुरुआत हुई बच्चों। और ये जनहित याचिका की शुरुआत का जो आधार रहे वो रहा अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को ये अधिकार दिया गया कि वो मौलिक अधिकारों के अलावा भी अन्य कोई सार्वजनिक मामले हैं तो उनमें भी अपने निर्णय प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद आता है 39A जो नीति निर्देशक तत्व है, उसमें कहा गया है कि सामाजिक न्याय को प्राप्त करने हेतु राज्य सरकारों को कार्य करना चाहिए। तो सामाजिक न्याय की प्राप्ति तभी होगी जब उच्च न्यायालय उसमें न्यायिक सक्रियता दिखाएगा। तो 39A की प्राप्ति के लिए और अनुच्छेद 226 की प्राप्ति के लिए हमारे देश में लोकहित याचिका की शुरुआत हुई और जिसका जो निर्माता है वो पीएन भगवती को माना जाता है, जिन्होंने कैदियों के मामले में सबसे पहले इस प्रकार की याचिका उठाई, उनके मामले को देखकर ऐसा मामला उठाया तो पीएन भगवती साहब को इसका निर्माता माना जाता है और सहयोगी की भूमिका निभाई थी कृष्णा मूर्ति ने। और एसपी गुप्ता वाद 1982 में आया, इसमें सबसे पहले जनहित याचिका की शुरुआत होती है। तो जनहित याचिका होती क्या है बच्चों, देखो अगर कोई भी सार्वजनिक मामला है या किसी निर्धन या गरीब की सुरक्षा के लिए किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में अपील की जा सकती है, रिट जारी की जा सकती है, तो ये काम किसके माध्यम से होता है बच्चों, लोकहित याचिका के माध्यम से। जनहित याचिका के माध्यम से आप कमजोर और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग है उन वर्गों की तरफ से एक याचिका प्रस्तुत कर सकते हो। जनहित याचिका के माध्यम से बच्चों आम आदमी को भी क्या मिल सकता है, न्याय मिल सकता है। अगर आप जनहित याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में अपील करते हैं तो आपका जो खर्चा है वो कौन देगा, वो कौन देगा, हमारी सरकार देगी, सरकार के द्वारा खर्चा वहन किया जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय खुद उस मामले की क्या करेगी, सुनवाई करेगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर आप निजी रूप से याचिका लगाते हैं तो आपको उसकी न्याय प्रक्रिया का खर्चा स्वयं को उठाना पड़ेगा, लेकिन अगर जनहित याचिका के माध्यम से कोई सार्वजनिक मैटर है तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय अपने आप क्या करता है, निर्णय देता है। तो आपने कई बार देखे भी होंगे बच्चों, हवाला मामला, पर्यावरण से संबंधित मामला, राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित कोई चुनाव का मामला, ऐसे कई आम मामले सर्वोच्च न्यायालय ने अखबारों में छपी खबरों के आधार पर उसको याचिका समझकर उस पर निर्णय दिए हैं। तो आज न्यायपालिका सक्रिय हो चुकी है और जनहित याचिका जो कि न्यायिक सक्रियता का एक उपकरण है, इस याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, इस याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने आज न्यायिक सक्रियता का काम किया है। आज पर्यावरण से संबंधित मुद्दे,
ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, अखबार में छपी खबरों को माध्यम बनाकर चुनाव विवाद से संबंधित कोई मसला है, राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित कोई मसला है, कार्यपालिका के द्वारा लागू किया गया कोई ऐसा कानून है, उन सबसे संबंधित मामलों को इसमें उठाया जाता है और जनहित याचिका के माध्यम से उस मामले को सुलझाया जाता है। तो न्यायिक सक्रियता का दौर आज हमारे भारतीय संविधान या आज हमारे भारत में देखने को मिलता है, जिसकी प्रेरणा हमने अमेरिका से ली है। और पीएन भगवती साहब ने पहली बार ऐसा मामला उठाया जेल के कैदी जो थे उनको रिहा करने के मामले में, कि जेल में उनके साथ किस प्रकार की अमानवीय हत्याएं हो रही है, किस प्रकार उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, उनसे संबंधित एक याचिका पीएन भगवती साहब के द्वारा प्रस्तुत की गई थी और उसी से हमारे जनहित याचिका की शुरुआत भारत में हुई और आज कई मामलों को जनहित याचिका के माध्यम से सुलझाया गया है। न्यायपालिका के द्वारा कार्यपालिका को बताया गया है और निर्देश दिया गया है कि आपको इन निर्देशों के आधार पर कार्य करना चाहिए। आम आदमी की बात को सरकार तक पहुंचाने का काम किया है न्यायपालिका ने, किसके माध्यम से, जनहित याचिका के माध्यम से। देखो बच्चों, दूसरा आता है आपका न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था बच्चों हमने अमेरिका में एक वाद आया था मारवरी बनाम मेडिसन वाद 1803 में, न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया बच्चों। और अमेरिका में जो ये शक्ति है, ये अमेरिका की शक्ति भारतीय संविधान ने भी ग्रहण की। देखो, हालांकि हमारे भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद न्यायालय को इस प्रकार की शक्ति देते हैं ताकि वो संविधान के रक्षक की भूमिका निभा सके। संविधान का चाहे कार्यपालिका हो चाहे व्यवस्थापिका हो, कोई भी अपने इस प्रकार के नियम बनाए ताकि कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो कानून की सुरक्षा करने का कार्य, कानून का अवलोकन करने का जो अधिकार मिला है वो हमारी सर्वोच्च न्यायालय के पास है। और सर्वोच्च न्यायालय ने या न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण की है। और न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का यूज सबसे पहले 1803 में मारवरी बनाम मेडिसन वाद में देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारे भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद है जो ये बताते हैं कि अगर व्यवस्थापिका के द्वारा ऐसा कोई कानून बना दिया या कार्यपालिका के द्वारा कोई ऐसी प्रशासनिक नीति बना दी जो हमारे संविधान के खिलाफ है, तो न्यायपालिका ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को स्थगित कर सकती है, रोक सकती है, संविधान की रक्षा कर सकती है। ऐसा पावर हमारे भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद देते हैं। वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला है आपका अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 बच्चों कहता है कि कानून मूल अधिकारों का अगर व्यवस्थापिका या संसद ने ऐसा कोई कानून बना दिया या कार्यपालिका ने ऐसा कोई कानून लागू कर दिया जिसमें संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो कानून को क्या माना जाएगा, असंवैधानिक माना जाएगा बच्चों। और इसी के साथ 1973 में एक वाद भी आया था बच्चों, केशवानंद भारती वाद। केशवानंद भारती वाद में साफ कहा गया कि संसद संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान के मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना पड़े। तो संविधान का मूल ढांचा बना रहना चाहिए और संविधान के मूल ढांचे में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी राज्य, इन सब के बारे में कहा गया है कि हमारे भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा कह रहा है कि सामाजिक न्याय होना चाहिए और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका ऐसा कोई कानून बनाती है जिससे हमें सामाजिक न्याय की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो न्यायपालिका उस कानून को रोक सकती है, उस कानून को असंवैधानिक करार दे सकती है। ये कहता है हमारा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 कहता है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती
जिससे हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। अगर व्यवस्थापिका या कार्यपालिका ऐसा करती है तो व्यवस्था न्यायपालिका उस कानून को असंवैधानिक करार दे सकती है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में साफ कहा गया है बच्चों कि अगर आप नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम उच्चतम न्यायालय की या उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो यहाँ आम आदमी के न्याय की सुरक्षा, अधिकारों की सुरक्षा की गई है। तो आम आदमी के अधिकारों की सुरक्षा, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का राइट दिया गया है किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। तो ये भी न्यायिक पुनरावलोकन का ही एक तत्व है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 132 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय ऐसा दे दिया जिसमें संविधान का प्रश्न निहित है और जहां संविधान के नियमों की अवहेलना हुई है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको क्या कर सकता है? उस निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकता है, उस निर्णय को असंवैधानिक करार दे सकता है। तो अनुच्छेद 132 कहता है कि असंवैधानिकता का अगर कोई प्रश्न निर्णय में है जो उच्च न्यायालय ने दिया है तो उसको असंवैधानिक करार दिया जा सकता है। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यहाँ संविधान की व्याख्या की जा सकती है। तो संविधान की व्याख्या का अधिकार किसको है? हमारे सर्वोच्च न्यायालय को है, हमारी न्यायपालिका को है। अनुच्छेद 246 क्या कहता है? आपको पता है अनुच्छेद 246 में शक्तियों का विभाजन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। साफ उसमें कहा गया है कि संघ सूची में जो विषय निर्धारित किए गए हैं संसद उन्हीं विषयों पर कानून बना सकती है, राज्य सूची में जो विषय है उन्हीं विषयों पर कानून राज्य सरकारें बना सकती है, समवर्ती सूची पर दोनों बना सकती है। तो जो उनका क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है उसके अलावा वो कानून का निर्माण नहीं कर सकती, और अगर करती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको असंवैधानिक करार दे सकता है। बच्चों फिर है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने का राइट संसद को देती है, लेकिन साथ में ये कहती है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन संशोधन ऐसा होना चाहिए जिसमें संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं हुआ हो। तो संविधान के मूल ढांचे को बनाए रखने के लिए, संविधान की व्याख्या करने के लिए, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पर अंकुश लगाने के लिए, सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए हमारे देश में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था विद्यमान है। हालांकि न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन कुछ अनुच्छेदों के माध्यम से ये कह दिया गया है कि संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती, कार्यपालिका ऐसा कोई भी कानून लागू नहीं कर सकती जिसमें संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किया गया हो। उस समय सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को असंवैधानिक करार दे सकती है, ऐसा हमारा भारतीय संविधान कहता है। अब आपने देखा कि न्यायपालिका आज कितनी सक्रिय हो गई है, सुप्रीम कोर्ट हर मामले की सुनवाई करने लगा है, आम आदमी की सुरक्षा करने लगा है, लेकिन बच्चों इससे हमारे भारतीय संविधान में एक तत्व देखने को मिलता है। हमारे भारतीय संविधान की एक विशेषता है बच्चों, शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण का मतलब यहाँ पर यह है कि कार्यपालिका कानून को लागू करेगी, व्यवस्थापिका उस कानून को कानून बनाएगी, लेकिन कई बार न्यायपालिका ने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप किया है। तो इस आधार पर न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर कई बार आलोचना की गई है कि वो संसद के कार्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जाकर के कार्य करती है। लेकिन बच्चों सर्वोच्च न्यायालय ने जो जनहित याचिका, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनरावलोकन, इन सब के माध्यम से जो निर्णय दिए हैं उनके प्रभाव आम जनता के लिए सकारात्मक रहे। हालांकि राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनसे संबंधित कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जहां पर संसद और न्यायपालिका के बीच में टकराव की स्थिति रही है, हमारी भारतीय राजनीति में टकराव की स्थिति रही है, लेकिन फिर भी जनहित याचिका ने और न्यायिक सक्रियता ने न्यायपालिका को, न्यायपालिका की स्थिति को और भी अच्छा बढ़ा दिया है। आप सब जानते हैं बच्चों सर्वोच्च न्यायालय के कई क्षेत्राधिकार आपने पढ़े, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, रिट वाला अधिकार, मौलिक अधिकारों का रक्षक, संविधान का रक्षक। इसके अलावा आप सब जानते हैं बच्चों संघ लोक सेवा आयोग के
जितने भी आयोग है उन सब की जांच करने का कार्य भी सर्वोच्च न्यायालय करता है। उस जांच के आधार पर उनको निलंबित करने का पावर जो है वो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन उनको सलाह जो देने का कार्य करता है वो कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय आज जो कार्य कर रही है, जिससे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों में क्या मिलता है बच्चों? अंकुश देखने को मिलता है। ये जरूरी था, क्योंकि व्यवस्थापिका अगर तानाशाही हो जाएगी तो न्यायपालिका उसमें सामंजस्य नियंत्रण एवं संतुलन को बनाए रखेगी। तो अमेरिका में एक सिद्धांत काम करता है बच्चों, नियंत्रण एवं संतुलन का, वो ही हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। तो आज हमारे भारत में न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनरावलोकन का महत्वपूर्ण रोल रहा है, जिसके कारण न्यायपालिका और संसद में टकराव की स्थिति रही है, लेकिन इस टकराव ने भारतीय संविधान को मजबूत किया है, ठोस किया है, और भारतीय संविधान में कई ऐसे सुधार किए हैं जो आगामी पीढ़ी के लिए आवश्यक थे, ये परिवर्तन आवश्यक थे। तो जनहित याचिका क्या है बच्चों? किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी दुर्बल सामाजिक रूप से पीड़ित वर्ग के तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, उसे ही जनहित याचिका कहते हैं। जनहित याचिका एक सामान्य पोस्ट कार्ड में याचिका लिख करके भी भेजा जा सकता है, निशुल्क जो है याचिका आपकी जाएगी, कोई पैसा आपको नहीं देना है, और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसमें क्या किया जाएगा, अपना निर्णय दिया जाएगा, सुनवाई की जाएगी। तो आम नागरिक को न्याय मिल सके, सस्ता न्याय मिल सके, शीघ्र न्याय मिल सके, और न्यायपालिका के प्रति लोगों की सकारात्मक सोच को विकसित करने के लिए आज हमारे देश में बच्चों जनहित याचिका जैसे सुधार न्यायपालिका में होने जरूरी है। तो आपने आज न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता के बारे में पढ़ा, समझा, और आप चाहते हैं कि इस वीडियो को आप अच्छे से समझ सके तो आप मेरे पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, ताकि आप सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता और न्यायिक पुनरावलोकन को समझ सके। और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक्स करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि मैं रेणु वैद्य, जो आपको राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की पढ़ा रही हूँ, वो आगे भी मोटिवेट हो सकूं कि मैं, मेरे जितने ज़्यादा लोग वीडियो देखेंगे, जितने बच्चे मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, मुझे लगेगा कि बच्चे समझ रहे हैं, और ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा मैं बच्चों को अच्छे से उपलब्ध करवा पा रही हूँ। बच्चों धन्यवाद।